तो जी ये बन गया है मेरा नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी आज मुझे इसके साथ बनाना शेक पीने का मन हुआ और इसमें कॉफ़ी फ्लेवर भी ऐड किया जो कि वनीला फ्लेवर था थोड़ी सी शुगर ऐड करी मिल्क जो है हम धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा करके ही इसको मिला के ग्राइंड करेंगे क्योंकि हम एकदम से मिला देते हैं ना तो वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता और जो भी फ्रूट आप ले रहे हैं जिस चीज़ का भी आप शेक बना रहे हो ना वो भी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता उसके लम्ब रह जाते हैं तो ऐसे हमने बनाया अपना शेक और अपने पराठे के साथ इन्जॉय किया इट वॉज़ रियली यम मुझे नहीं लगा था कि कॉफ़ी ऐड करने से इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ जाएगा तो जी वेट गेन करने के लिए ना बनाना शेक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनटेक है और मैंने आज पराठा बनाया था स्प्रिंग अनियन का और यूजुअली क्या करती हूँ मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ स्प्रिंग अनियन को थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा मिर्ची थोड़ी सी अदरक भी ऐड करती हूँ अगर मेरे पास बहुत सारा टाइम होता है तो बट आज मैंने सोचा आज ऐसे ही इसको ट्राई करते हैं और ये वाकई में डिलीशियस था और कॉफ़ी और बनाना शेक के साथ तो वाह मज़ा ही आ गया आज तो मैंने पराठे में भी थोड़ा ज़्यादा ही घी मिला दिया था इंटेंशन नहीं था लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा आ गया तो जी मैंने अपने नाश्ते को खूब एंजॉय किया आपके भी आइडियाज़ मुझे ज़रूर बताइए नाश्ते